नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार पिंटू और आप देख रहे हैं सीएम इंडिया टीवी सिने आजकल। आइए देखते हैं भोजपुर धारहरा से एक खास रिपोर्ट, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं। जिला प्रशासन भोजपुर के द्वारा यह बताया जा रहा है। पर अभी यह जो धारहरा से लाइव तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन का यह स्लोगन केवल दीवार पर चिपकाया गया है, पर यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जिला प्रशासन खुद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि जिला प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जाता तो धारहरा पुल के पास एक साल से यह टूटा हुआ पाइपलाइन अब तक बन गया होता। आइए हम यहाँ के स्थानीय एक छोटे बच्चे से बात करेंगे। अब काहे आप बात क्यों हम करेंगे इसके बारे में जान लें कि बच्चे मन के सच्चे, जो बोलेंगे सच्चे बोलेंगे। तो ये बताओ, ये जो पानी गिर रहा है कितना दिनों से गिर रहा है? दो दिनों से गिर रहा है। लगभग कितना दिन से? लगभग एक साल हो गया। एक साल से गिर रहा है, ऐसे गिरता है, कोई देखने नहीं आता है? अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा, बगल सूर्य मंदिर के पास। ये कौन सा जगह है? धारहरा पुल। धारहरा पुल है। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा। हाँ, ठीक। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगा करके जल संरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन यह जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ यही कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। इस बहते हुए पानी के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की सरकार है, इस सरकार के बारे में क्या कहा जा सकता है। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं अश्वनी कुमार पिंटू, ब्यूरो चीफ भोजपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।